नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। जब मीत अलावत को ये बात बहुत बुरी लग रही है कि मीत हुड्डा को, जो कि इस कंपनी का सीईओ बना दिया है डैडी ने, क्योंकि दोस्तों चेयरमैन बनाने के बाद में अब सारी जिम्मेवारी जो कि मीत हुड्डा के कंधों पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों वहीं बर्फी देवी एक नई चाल खेलती हुई नजर आने वाली है। जिस मासूम ने इन दोनों के बीच में इनकी जिंदगी में आग लगाई है, मीत और मीत हुड्डा के बीच में, लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से बर्फी देवी खुद मासूम को उसी कंपनी में जॉब के लिए बोलेगी कि चलो ठीक है तुम उस कंपनी में जॉब कर लो, ताकि इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा रिलेशन खराब हो जाए एक दूसरे के बीच में। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी मीत हुड्डा और मीत अलावत के बीच में पहले से ही रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन लगातार मीत हुड्डा के साथ में जो चाल खेलने की कोशिश कर रही हैं बहुत घटिया चाल खेलेगी अब मासूम दीदी। क्योंकि मासूम से पहले भी मीत अलावत मना कर चुके हैं कि मुझे अपनी ये शिकल भी मत दिखाना, मुझे तुम्हारी शकल भी इतनी गंदी लगती है, बहुत बुरी लगती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और आंदा को कभी अपना एक घिनौना चेहरा लेके हमारे घर भी मत आना। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मीत अलावत कितनी बड़ी टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्हें शादी करनी पड़ी बर्फी देवी की बेटी नीलम से, यानी नीलू से। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से कितना गंदे समय कट रहा है मीत हुड्डा और मीत अलावत के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में इस समय बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, जहां पर कंपनी का सीईओ बनाने के बाद में अब मीत हुड्डा पूरी जिम्मेवारी तो निभा रहे ही हैं, लेकिन दोस्तों मीत अलावत को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आखिरकार एक लड़की को ऐसे कैसे जिम्मेवारी दे सकते हैं। बल्कि अगर इस शेयर का कोई हकदार है तो वो मैं हूँ इस शेयर का हकदार। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से लगातार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।